पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हमारे जिस्म के मेजर यानी बड़े हिस्से, आइडेंटिफिकेशन द फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन, और लर्न अबाउट सेंसेस एज ए हिस्सिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपनी बुक की रीडिंग की तरफ, जो हमारा चैप्टर है माय बॉडी। सबसे पहले जो मेजर पार्ट, हमारे बॉडी के तीन मेजर पार्ट हैं, तीन बड़े हिस्से हैं। सबसे पहला है अपर पोर्शन, सेकंड है मिडल पोर्शन और थर्ड है लोअर पोर्शन। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, हमारा जिस्म जो है वो बहुत से हिस्सों से मिलकर बना है। आवर बॉडी पार्ट्स आर आवर हेल्पर्स, और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे हेल्पर्स होते हैं, यानी वो हमारे मददगार होते हैं। अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन होता है वो हमारा फेस होता है, उसमें है जी हेयर, आईब्रो, ईयर, चीक, टीथ, नेक, चिन, लिप्स, नोज, आई, इसके अलावा टंग और टीथ। Teeth help us to break food into small pieces. दांत जो हैं वो हमारे खाने को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। So we can eat them easily. तो ही हम अपना खाना आराम से आसानी से खाते हैं। Tongue help us to speak. जो हमारी जुबान है वो हमें बोलने में मदद करती है। It also helps us to taste food. और वो हमें खाने को टेस्ट करने में, चखने में हमारी मदद करती है। Food can be sweet, salty or bitter. Food जो है हमारी स्वीट होती है, salty होती है या बिटर होती है। Food मतलब खाना जो है हमारा या तो मीठा होता है या खट्टा होता है या नमकीन होता है। नेक्स्ट है जी वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंख से देखते हैं। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। वी स्मेल थिंग्स विद आवर नोज, और हम अपने नाक से सूंघते हैं। मिडिल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है उसमें है जी चेस्ट और बेली, शोल्डर, एल्बो, फिंगर, हैंड, फिंगर्स में जी नेल्स हैं, शोल्डर हैं। वी फील विद आवर फिंगर्स, हम अपनी उंगलियों से चीज़ों को महसूस करते हैं। वी ग्रैब थिंग्स विद आवर हैंड, और हम अपने हैंड से चीज़ों को पकड़ते हैं, उन पर ग्रिप करते हैं। एल्बो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एल्बो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एल्बो बोलते हैं कहने को, और ये बाजू का बहुत अहम हिस्सा है। इट हेल्प टू बेंड आवर आर्म, ये हमें हमारा बाजू जो है मूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है जी लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म का निचला हिस्सा, इसमें है जी थाई, लेग, टॉइट, नी एंड फुट। नी हेल्प अस टू बेंड आवर लेग, हमारी जो नी है वो हमारी लेग को बेंड करने में हमारी मदद करती है। सेंस ऑर्गन्स, अजाय हिस्सिया, दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी नोज, टंग, ईयर, आईज, स्किन। बेटा हम अपने नोज से, नाक से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, टंग से जायका को टेस्ट करते हैं, ईयर से हम आवाज़ों को सुनते हैं, आईज से हम चीज़ों को देखते हैं, और स्किन से हम चीज़ों को फील करते हैं और महसूस करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स से मुतल्लिक। इसमें मैं आपको इनके मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल दूंगी। जैसे साइट बोलते हैं देखने को, तो ये हमारी सेंस है और हम ये आँख से देखते हैं। जो आँखें हैं हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, इससे हम कुदरत की खूबसूरती देखते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में फ़र्क देखते हैं कि वो छोटी और बड़ी चीज़ों में फ़र्क देखते हैं, पास और दूर की चीज़ों में फ़र्क देख सकते हैं। इसके अलावा जी
अच्छी और भली महसूस होती हैं, जबकि कुछ आवाज़ें हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। इनमें ऐसी आवाज़ें जो खुशगवार मध्यम होती हैं वो हमारे कानों को अच्छी महसूस होती हैं, भली महसूस होती हैं, जबकि ऐसी आवाज़ें जो ऊंची हों, लाउड हों, वो हमारे कानों को भली महसूस नहीं होती। इसके अलावा ये नंबर 3 पे है स्मेल करना, यानी सूंघना, और हमने स्मेल करने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्मेल्स बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ बहुत बुरी होती हैं। हम इन स्मेल में फर्क अपने नाक के थ्रू करते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई सेंसेस में से स्मेल एक बहुत अहम सेंस है। इस सेंस के बगैर ना तो हम चीज़ों को सूंघ सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। नंबर 4 पे है जी टंग। वी टेल द थिंग्स विद आवर टंग। हम अपनी जुबान से चीज़ों को चखते हैं, जैसे कि हम इसमें मीठा होता है टेस्ट में हमारे कड़वा टेस्ट, नमकीन, तीखा, ये सब हम अपनी जुबान से जो है वो करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जी हेयरिंग यानी सुनना, तो हम चीज़ों को सुनने के लिए अपने कान का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कान के इस्तेमाल से चीज़ों के दूर और करीब की आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं कि ये आवाज़ दूर से आ रही है या पास से। इसके अलावा हम मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, जैसे हवाई जहाज की आवाज़, सड़क पर बस की आवाज़ या ट्रैफिक की आवाज़। इस तरह हम अपने अजाइशिया को इस्तेमाल करके दुनिया की रौनकें जो हैं वो महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम हैं जी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक माय बॉडी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मेजर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के मेजर हिस्से यानी भरे हिस्से। तो हमारा जिस्म जो है उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, अपर पोर्शन, मिडल पोर्शन और लोअर पोर्शन। इसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन द फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 3 में हमने पढ़ा लर्न अबाउट सेंसेस। हमने सेंसेस के बारे में इसमें पढ़ा, यानी अजाय हिशिया के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इस चैप्टर की आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर जी। तो अब हम करेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज आवर बॉडी मेड ऑफ। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारा जिस्म जो है वो बहुत से हिस्सों से मिलकर बना है। नंबर 2 है, विच टू पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इन आवर माउथ। हमारे जिस्म के वो कौन से दो हिस्से हैं जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, टीथ एंड टंग।
से दो हिस्से हैं जो हमारे मुंह के अंदर हैं, तो उसका आंसर है ये टीथ एंड टंग आर इन आवर माउथ। जुबान और दांत जो है वो हमारे मुंह के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी नीड टू ब्रेक आवर फूड, हमें अपनी खुराक तोड़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो इसका आंसर है जी बिकॉज वी कांट ईट फूड इजीली, क्योंकि इसे तोड़े बगैर हम खाना आसानी से नहीं खा सकते, इसीलिए हम चबा कर खाना खाते हैं, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाना खाते हैं जी। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी सी, हम कैसे देखते हैं? तो हमारा आंसर है वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज द एल्बो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बो यानी कहनी जो है वो बहुत अहम क्यों है? बिकॉज
का। ये था हमारा आज का टॉपिक जो था एसएससी का चैप्टर नंबर 3 माय बॉडी मेरा जिस्म। इसकी हमने सबसे पहले रीडिंग की, हमने देखा इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जिसमें है कि अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन में हमारा फेस है, फेस में हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे आईज, नोज, लिप, आईब्रो, हेयर, हैंड, ईयर्स, नेक वगैरह। इसके अलावा जो मिडिल पोर्शन में हमारा आता है चेस्ट, बेली, हैंड एंड एल्बो, फिंगर्स एंड आर्म। अपर पोर्शन में था हमारा फेस, जबकि मिडिल पोर्शन में हमारा दरमियाना हिस्सा आता है और लोअर पोर्शन में हमारा निचला हिस्सा शामिल है, जिसमें थाई है, लेग है, टॉयज हैं, फुट है और नी है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, जो के हैं जी टेस्ट, जो हम टंग से करते हैं हेयरिंग, ईयर, जो हम कान से सुनते हैं, इसके अलावा है जी आईज, साइट, जिसके लिए हम आईज का इस्तेमाल करते हैं, और फिर टच है जिसके लिए हम स्किन का इस्तेमाल करते हैं, स्मेल है जिसके लिए हम नोज का इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारी सेंस ऑर्गन्स, और इन सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम वर्ल्ड में बहुत सी खूबसूरती को महसूस करते हैं। इसी तरह बेटा हमारे कुछ जिस्म के हिस्से होते हैं जो कि दो दो होते हैं और कुछ सिंगल होते हैं। डबल में, पेयर्स में हमारे आती हैं आईज, हमारे ईयर्स और हमारे हैंड, फुट, लेग, और इसमें हमारे हाथ शामिल हैं। इसके अलावा जी सिंगल पार्ट्स वो पार्ट हैं जो हमारे जिस्म में एक एक ही है, जैसे है जी बेली, चेस्ट और चिन, नोज वगैरह। हेड है सिंगल हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। सेंस मैंने पहले भी आपको बताया है जी, टेस्ट, हेयरिंग, स्मेल वगैरह है। और सबसे पहले हम स्मेल के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। स्मेल जी हम नोज से स्मेल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से अता की हैं और ये जो स्मेल है उनमें से बहुत अहम है। हम इसके जरिए अच्छी और बुरी स्मेल में फ़र्क कर सकते हैं। हम इसी के जरिए अपने खाने की स्मेल कर सकते हैं, फूलों को सूंघ सकते हैं। दूसरी है जी टेस्ट यानी टंग। हम चीज़ों का टेस्ट अपनी टंग से करते हैं यानी जुबान से करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी मीठी है, कौन सी कड़वी है और कौन सी नमकीन है। नंबर 3 पे आ जाता है हेयरिंग यानी सुनना। सुनने में जनाब हमारा ये है कि हम करीब की आवाज़ों को सुन सकते हैं, दूर की आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। जो आवाज़ हल्की होगी यकीनन वो दूर की होगी, और इसके अलावा हमारे जो कान हैं वो अच्छी और हल्की आवाज़ों को अच्छा महसूस करते हैं, जबकि ऊंची आवाज़ों को वो अनप्लेजेंट, नाखुशगवार महसूस करते हैं। नंबर 4 पे साइट यानी आईज के जरिए हम देखते हैं। आईज आँखों के जरिए हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि फूलों का रंग, चीज़ों के साइज़, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क, दो चीज़ों के दरमियान में फासला, चीज़ों की ऊंचाई, चीज़ों की गहराई, क्या हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर 5 पे है जी स्किन यानी फील करना, महसूस करना। इसकी जो सेंस है वो है टच। टच हम करते हैं जी अपनी स्किन से, अपने हैंड से, और हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है कि वो कैसी हैं, वो रफ हैं, वो शार्प हैं, वो हार्ड हैं, वो सॉफ्ट हैं, कि वो कैसी हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं जिनसे हम इस दुनिया को, इस दुनिया की रंगीनियों को महसूस करते हैं, देखते हैं, और ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा हमने किया जी अपनी एक्सरसाइज में हमने किया फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस और टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि यस और नो में था, और हेल्पिंग वर्ड्स इन्होंने दिए हुए थे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में। इसके अलावा हमने अपने इस टॉपिक में किया जी क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ, करने लगी हूँ।
क्वेश्चन नंबर वन है दी माला, व्हाट इज आवर बॉडी मेड ऑफ, हमारा जिस्म किससे बना है। आवर बॉडी, हमारा जिस्म इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, हमारा जिस्म जो है वो बहुत से हिस्सों से मिलकर बना है। विथ टू पार्ट्स, वो कौन से दो हिस्से हैं ऑफ बॉडी हमारे जिस्म के, आर इन आवर माउथ जो के हमारे मुंह में है, टी एंड टंग जबान और दांत, आर इन आवर माउथ हमारे मुंह में है। हमारे जिस्म के वो दो हिस्से जो हमारे मुंह में होते हैं वो है जी टी एंड टंग यानी जुबान और दांत। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाई डू वी नीड टू ब्रेक आवर फूड, व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरत होती है टू ब्रेक आवर फूड, अपनी खुराक को तोड़ तोड़ कर खाने की। बिकॉज वी कांट ईट फूड इजीली, बिकॉज क्योंकि वी कांट ईट, हम नहीं खा सकते फूड इजीली आसानी से अपना खाना। अगर हम अपना खाना तोड़ कर नहीं खाएंगे तो वो आसानी से खाया नहीं जाएगा और हमें हजम भी नहीं होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर फोर है जी, हाउ डू वी सी, हम कैसे देखते हैं। तो बेटा आपको पता है हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर भी यही है, वी सी विथ आवर आईज, वी सी हम देखते हैं विथ आवर आईज अपनी आंखों के साथ। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वाई इज द एल्बो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज द एल्बो कहनी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है। बिकॉज इट हेल्प टू बेंड अवर आर्म, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प टू, ये हमारी मदद करती है बेंड अवर आर्म, हमारा बाजू आगे पीछे या ऊपर नीचे करने में। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और हमारा चैप्टर नंबर थ्री जो है वो भी कंप्लीट हो गया, जो था जी माय बॉडी मेरा जिस्म। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आप भी एक दफ़ा जरूर रीडिंग कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।